शुक्रवार को प्रदेश विधानसभा में हुए हंगामे के लिए कांग्रेस व भाजपा दोनों ही पार्टियां एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रही है। रविवार को प्रदेश एनएसयूआई इकाई ने शिमला में जमकर प्रदर्शन किया और कांग्रेस के सभी विधायकों को बहाल करने की मांग की। एनएसयूआई का कहना है कि शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने सबसे पहले सदन के अंदर गुंडागर्दी की और विधानसभा उपाध्यक्ष ने बाहर कांग्रेस विधायकों के साथ धक्का मुक्की की। विधानसभा बजट सत्र के दौरान भाजपा और कांग्रेस में हुई धक्का मुक्की पर अब सियासत और गर्माती जा रही है। इस पूरे घटनाक्रम का विरोध अब सड़कों पर उतर कर किया जा रहा है। रविवार को एनएसयूआई ने शिमला में भाजपा के मंत्री और नेताओं का विरोध किया। इस दौरान एनएसयूआई उपाध्यक्ष वीनू मेहता ने कहा कि जिस तरीके का व्यवहार विधानसभा में विपक्ष के नेताओं के साथ किया गया वो निंदनीय है। उन्होंने कहा कि विरोध करना विपक्ष का एक संवैधानिक अधिकार है और ऐसे में कांग्रेस के 5 विधायकों को विधानसभा बजट सत्र से निलंबित करना भाजपा की मानसिकता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि विधानसभा के दौरान कांग्रेस ने नहीं बल्कि विधानसभा उपाध्यक्ष और शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कांग्रेस के नेताओं के साथ दुर्व्यवहार किया था। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि उन पर केस बनाया जाना चाहिए। वीनू मेहता ने कहा कि कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। उन्होंने जल्द से जल्द इन सभी झूठे मुकदमों को वापस लेने की मांग की है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा नहीं होता है तो आने वाले समय में एनएसयूआई उग्र प्रदर्शन करते हुए भाजपा नेताओं का घेराव करेगी। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में बैठी जो ये निकम्मी और कठपुतली सरकार है, जयराम ठाकुर जी की गुंडागर्दी वाली सरकार है, जिसने हिमाचल प्रदेश के इतिहास में शर्मसार कर देने वाली घटना इन्होंने करी। जो इनके डिप्टी स्पीकर है, जो एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं, इन्होंने शरेआम गुंडागर्दी जिस तरह से हमारे नेता प्रतिपक्ष श्रीमान मुकेश अग्निहोत्री जी के साथ, कांग्रेस पार्टी के जितने हमारे विधायक गण हैं उनके साथ जिस तरह से इन्होंने बेरहमी से धक्का मुक्की करी, जिस तरह से इन्होंने गुंडों का जो रोल इन्होंने निभाया, श्रीमान सुरेश भारद्वाज जी जो पार्लियामेंट्री अफेयर के मिनिस्टर है, उन्होंने जब सबसे पहले विधानसभा सत्र के अंदर गुंडागर्दी शुरू करी और लास्ट में जो हमारे पुलिस कर्मचारी है, हमारे पुलिस के जवान है, जो उनका कार्य बनता है, उनका कार्य भाजपा के वरिष्ठ नेता है स्वयं मुख्यमंत्री साहब डिप्टी स्पीकर गुंडागर्दी पे उतरा है। आप देख रहे हैं साथ। मैं मीडिया के माध्यम से बता देना चाहता हूँ हिमाचल प्रदेश की आवाम को, एनएसयूआई आज धरना प्रदर्शन क्यों कर रही है। एनएसयूआई इसीलिए कर रही है कि एनएसयूआई सड़कों पे लड़ेगी, हमेशा लड़ते आएगी, लेकिन विधानसभा में हमारे युवाओं की आवाज़ को बुलंद करने का जो जिम्मेवारी है हमारे विधायक गणों को है। हमारे नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री जी के समक्ष हमने छात्रों की जो समस्याएं उन समस्याओं को रखा था और हमने छात्रों के लिए रोजगार की मांग करी थी कि 14 लाख से भी ज़्यादा जो हमारे छात्र साथी है आज बेरोजगार बैठे हैं। हिमाचल प्रदेश में महंगाई चरम सीमाओं पर है। हम राज्यपाल महामहिम राज्यपाल जी से भी आग्रह करना चाहेंगे कि आप जो विधानसभा का आपका जो अभिभाषण है, जो एक भाजपा का एक फर्जी डॉक्यूमेंट्स है, विजन डॉक्यूमेंट्स, उसको पूरा पढ़े, यही आग्रह करना चाहेंगे। साथ ही साथ एनएसयूआई आग्रह करना चाहती है कि कांग्रेस पार्टी के जितने में हमारे विधायक गण हैं, हमारे नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री जी, इनको जल्द से जल्द बहाल कर दिया जाए। झूठे केस इनके ऊपर बनाना आप बंद करें। जिस तरह से आपने हमारे विधायक गणों के ऊपर, नेता प्रतिपक्ष के ऊपर आपने जो झूठे मुकदमे बनाए उनको आप वापस करें। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।